हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से अप्पे की रेसिपी। फ्रेंड्स, रोटी बच जाती है तो कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम ऐसे ही रोटी बर्बाद तो नहीं कर सकते। तो आइए देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, रोटी अप्पे बनाने के लिए हमने ले ली है दो रोटी, तो इनको तोड़कर ग्राइंड कर लेंगे और ये रात की बची हुई रोटी है। ऐसे हम डालकर ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये बारीक पीसकर तैयार हो चुका है, तो इसको अब हम अलग रख देंगे। बर्तन में हम डालेंगे 1.5 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दही और हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और अब हमें ये रोटी वाला पाउडर भी इसी में डाल देंगे। इसमें 1 कटोरी दही और 1 कटोरी ही पानी डाला है। और इसको ढककर रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं और हम अपनी सब्जियों को काट कर तैयार कर लेते हैं। जब तक फ्रेंड्स हमारी सब्जियां कट कर तैयार हो गई हैं, तो हमने लिया है सबसे पहले ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इसको ग्रेट कर लिया है, और लिए हमने 5 से 6 हरी मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया है, और हमने लिया है ये 100 ग्राम गोभी, इसको भी बारीक काट लिया है, और हमने ली है 1 बड़े साइज की गाजर, इसको भी काट लिया है बारीक। ये हमने 1 शिमला मिर्च बारीक काट कर लिया है, और ये लिए है 2 बड़ी प्याज, इनको भी बारीक काट लिया है, और सब सब्जियां कट कर तैयार हैं। तो अब हम बैटर को देख लेते हैं। ये बैटर भी तैयार हो चुका है, तो हम इसमें अब सब्जियां मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसमें बहुत सारी सब्जियां जाती हैं, तो बच्चों को ऐसी रेसिपी ज़रूर खिलानी चाहिए। और उनको ऐसी रेसिपी बहुत पसंद भी आती हैं। और अपने हिसाब से आप सब्जियां डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो, जितनी पसंद हो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास धनिया नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिए, क्योंकि उससे टेस्ट बढ़ जाता है, पर हमारे पास अभी है नहीं है। फ्रेंड्स, ये डालेंगे हम पीनट्स जो रोस्ट करके और छील कर लिए हैं, और इसको क्रश कर लिया है हमने थोड़ा सा। और हम इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे स्वादानुसार नमक। और थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर और 1/2 TSP हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर।
और आप जितना तीखा या कम खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए। अब ये मिक्स हो चुका है तो अब हम तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए लिए हमने आधा टीएसपी राई और 20 से 25 कड़ी पत्ते और लिए चौथाई टीएसपी हींग। तो हम तड़का लगा लेते हैं। हमने गैस जलाकर तेल को गरम कर लिया है। अब तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत गर्म होता है तो आप थोड़ा ध्यान से तड़का लगाइएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा पतला भी करेंगे। तो हम डालेंगे इसमें ये इनो का सैसे एक, ये 1 TSP के आसपास है तो हम इसमें डाल देते हैं। और आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं 1 पिंच। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। और इनो तभी मिलाएं जब आप इसको बनाने वाले हों, पहले से मिलाकर ना रखें। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है तो हम अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने गैस जलाकर अप पे पैन रख दिया और उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल दिया है और आप इसको घी से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। फ्रेंड्स, गैस को धीमा ही रखिएगा, धीमी आंच में ही अच्छे पकेंगे। और हम इसको ढक देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब एक तरफ से ये सिक चुके हैं तो इनको हम पलट देते हैं। एक तरफ पकने में समय इनको कम से कम 2 से 3 मिनट लगा हुआ है और ऐसे ही पलटने के बाद भी इनको पका लेंगे। तो सब पलट देते हैं। और इनको भी अब सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये सिक चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रात की बासी रोटी की रेसिपी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।